अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर रिकॉर्डिंग सीरीज ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। टुडे वी विल डिस्कस नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, 1927 में बरतानिया एक कमीशन को भेजता है ब्रिटिश इंडिया में, और उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ये कमीशन 7 लोगों पर मुश्तमिल था, और ये 7 लोग जो थे वो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, और इस कमीशन को जो लीड कर रहे थे वो सर जॉन साइमन लीड कर रहे थे, जिनके नेम पर साइमन कमीशन नाम रखा गया इस कमीशन का। अब ये कमीशन ब्रिटिश इंडिया में आया क्यों था, ये किस लिए भेजा गया, बरतानिया ने क्यों भेजा ये कमीशन? इसलिए आया था क्योंकि बरतानिया हर 10 साल बाद बरे सगीर में सब कॉन्टिनेंट में असलाहत लेकर आता था, रिफॉर्म्स लेकर आता था, मींस पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आता था। और ये जो कमीशन है ये 1927 में आता है, रिपोर्ट ये कमीशन भेजा गया है कि वो रिपोर्ट प्रेजेंट करे, क्योंकि अब अगली जो असलाहत आनी है वो 1929 में आनी है। इससे पहले 29 से पहले जो 10 साल पहले वाली रिफॉर्म्स हैं वो 1919 की हैं, एंड दैट वाज मॉन्टेग्यू जेम्स फॉर्म्स रिफॉर्म्स। तो यही जो है पहली जो हमारी स्लाइड है पॉइंट, उसमें यही लिखा है कि 1927 साइमन कमीशन केम टू ब्रिटिश इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ मॉन्टेग्यू जेम्स फॉर्म्स रिफॉर्म्स, यानी कि ये रिफॉर्म्स कैसे काम कर रही हैं। अब इसमें मज़ीद क्या चेंजिंग्स आनी है, जिसमें आपको बताया कि हर 10 साल बाद जो है बरतानिया वो पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आता था ब्रिटिश इंडिया में। अब दोबारा से 1929 में जो चेंजिंग्स आनी है उसके लिए ये 2 साल पहले एक कमीशन भेजता है, जो कमीशन बरसगीर में आता है, आके देखेगा हालात को, और उस हालात के मद्देनज़र जो है वो एक रिपोर्ट जाके प्रेजेंट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब यहाँ पर ये सियासी जो है वो आप चेंजिंग्स लेकर आए। वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी इंडियन। इस कमीशन में कोई भी इंडियन मौजूद नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे, और इसी बुनियाद पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस, जो दोनों सब कॉन्टिनेंट की कम्युनिटीज़, मेजर कम्युनिटीज़ को रिप्रजेंट करी, उनके पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस कमीशन से बायकॉट कर लेती। द कमीशन चैलेंज इंडियंस टू present their own report in order to draft the constitution. अब जब के साइमन कमीशन को कोई खातर फॉर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो डिसअपॉइंट होकर जो है वो वापस जाती है ब्रिटेन में जाती है, और जाकर जो है वो बताती है बरतानवी हुकूमत को कि हमें तो वहाँ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस बुनियाद पर ब्रिटिश पार्लियामेंट अनाउंस करती है कि इंडियंस को चैलेंज करती है कि अब आप खुद से एक रिपोर्ट प्रेजेंट करें कि कैसी चेंजिंग्स लानी चाहिए सब कॉन्टिनेंट। और इसी चैलेंज को जो है वो इंडियन जो है नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर हैं मोतीलाल नेहरू, वो एक्सेप्ट करते हैं और नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। नेहरू रिपोर्ट बेसिकली साइमन कमीशन के रिस्पांस में आई थी, जो साइमन कमीशन ने जो चैलेंज दिया था उसके चैलेंज को की एक्सेप्टेंस में ये नेहरू रिपोर्ट आई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है नेहरू रिपोर्ट के? नंबर 1, एंडिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मोतीलाल नेहरू जो हैं वो अपनी इस रिपोर्ट में जो बरतानिया को प्रेजेंट करते हैं उसमें ये मेंशन करते हैं कि जो एंडिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाए, यानी जो मुसलमान शुरू से जुदागाना इंतखाबात का हक मांग रहे थे, राइट, उसको ख़त्म किया जाए, ये जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करते थे। फाइंडिंग ऑफ मोर सीट्स देन द पॉपुलेशन, यानी ये कहते थे कि आबादी जो है उसके लिहाज से अपने सीट्स उसके लिहाज से सीट्स ना दी जाए, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सूबे थे जहाँ मुसलमान की अक्सरियत ज़्यादा थी। एंडिंग ऑफ मोर मुस्लिम सीट्स देन पॉपुलेशन, रिफ्यूजल टू गिव 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन द सेंटर, यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली है, जो मरकजी कानून साज इदारा है, जो वो असम्बली जो पूरे मुल्क के लिए लॉज बनाती है, वहाँ पर मुसलमानों की एक तिहाई रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म किया जाए। उनसे ये रिफ्यूज़ करते थे, इनकार करते थे कि मुसलमान जो है उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ना। इन्होंने डिमांड की थी सेपरेशन ऑफ सिंध प्रोविंस फ्रॉम बॉम्बे, कि सिंध को जो है वो बॉम्बे से अलग किया जाए। सजेशन फॉर रिफॉर्म्स इन NWFP एंड अवॉइडेंस फ्रॉम बलूचिस्तान, यानी इन्होंने NWFP में असलाहत लाने का कहा था और बलूचिस्तान में असलाहत लाने का नहीं कहा था, यानी ये जो 2 प्रोविंसेस थे जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में थे, ये बाकी सूबों से जो है वो के लिहाज बाकी सूबों के लिहाज से ये बैकवर्ड जो है वो प्रोविंसेस थे।
तो इन्होंने यहाँ एक सूबे में असलाहत की बात की थी अपने नेहरू पॉइंट में, डिमांड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मोतीलाल नेहरू जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते थे, यानी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ सेंटर के पास ज़्यादा हुकूमत होगी, ज़्यादा पावर्स होंगे, ज़्यादा जो है वो अथॉरिटी होगी। डिमांडिंग ऑफ ऑर्डरिंग द कॉलोनियल रूल, इन्होंने क्या डिमांड किया था कि जो कॉलोनियल रूल है उसको जो है वो प्रिजर्व किया जाए। अब इस पर ये जब नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई हिंदुओं की बेसिकली इंटरेस्ट में ज़्यादा थी, तो इस पर मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था? डिफरेंट मुस्लिम लीडर्स एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड फीलिंग्स ऑन द रिपोर्ट्स विच आर एज मेंशन। मौलाना शौकत अली क्या कहते हैं, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम फॉन्ड ऑफ कीपिंग हंटिंग डॉग्स एंड आई हैव नेवर बीन देम ट्रीटेड अ रैबिट लाइक द हिंदूज हैव ट्रीटेड द मुस्लिम्स इन नेहरू रिपोर्ट। के इतने बुरे तरीके से मुसलमानों को जो है वो ट्रीट किया गया है नेहरू रिपोर्ट। कायदे आजम सेड फ्रॉम नाउ द पार्ट्स ऑफ हिंदूज मुस्लिम्स आर सेपरेट, क्योंकि इससे पहले जो कायदे आजम है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। अब नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में कायदे आजम अपने 14 निकात पेश करते हैं। मुसलमानों की ने भी तो कोई जो है वो अपनी डिमांड्स प्रेजेंट करनी है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में तो टोटली डिनाई किया गया था मुसलमानों को। पहला पॉइंट क्या है, फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू रिपोर्ट में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते थे, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करते थे, जबकि कायद आजम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर वफाकी हुकूमत होगी, यानी जो पावर्स हैं वो डिवाइड होंगे बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस। कायद आजम सूबों की जो है आज़ादी की बात करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि कुछ ऐसे सूबे थे जहाँ मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी में थे, लाइक बंगाल, पंजाब, तो उनको खुद मुख्तार किया जाए सूबों को, ताकि वो अपने मामला खुद से तय कर सकें। effective representation of minorities, minorities के effective representation हो। Muslims representation in central legislature, जो कि नेहरू report में refuse किया गया था, उनकी 1/3 mid representation को। separate electorate की बात करते थे कायदे आजम, जुदा गाना इंतखाबात की। protection of provinces in majority, यानी ऐसे इलाके जहाँ पर मुसलमान majority में हैं उनको और minority में हैं उनको protection दी जाए। रिलीजियस लिबर्टी, मजहबी आज़ादी हो हर शख्स को, सब कॉन्टिनेंट में हर शख्स को मजहब की आज़ादी हो। बिल और रेजोल्यूशन अबाउट कम्यूनिटीज, यानी ऐसी देखिए इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट कम्यूनिटीज़ रहती थी, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, क्रिश्चन्स, तो ये कहा गया था कि जो लेजिस्लेटिव असम्बली है, जो कानून साज इदारा है, उसमें कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन पास नहीं की जाएगी जब तक एक जो 3/4 जो है कम्युनिटी है उसके लोग उस बिल के या उस रेजोल्यूशन के हक में वोट ना दें। यानी कम्युनिटीज़ की जो राय है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करती है। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, रिफॉर्म्स इन बलोचिस्तान एंड NWFP। कायदे आजम दोनों सूबों में रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि जिस तरह बाकी सूबों में इस्तलाहात लाई जाती हैं, इस तरह इन दोनों सूबों में भी लाई जाए। शेयर ऑफ मुस्लिम्स इन सर्विसेज, यानी मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब्स में जो है वो हिस्सा दिया जाए, उनको भी उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। वो सिर्फ असम्बली में नहीं मांग रहे, वो जो है वो हुकूमत में भी मांग रहे हैं, वो सर्विसेज में भी मांग रहे हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल प्रोटेक्शन फॉर द मुस्लिम, यानी मुसलमानों की कल्चर के और उनके रिलीजन को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्रीमेंट ऑफ प्रोविंसेस, यानी जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मुल्क का जो आइन है, उसको अगर किसी भी किस्म की उसमें चेंजिंग्स लानी है या बनाना है, दोबारा से बनाना है, तो उसमें जो है प्रोविंसेस का कंसेंसस होना, उनकी रजामंदी होना ज़रूरी है। यानी प्रोविंसेस से भी मुशावरत की जाए जब पूरे मुल्क का अपने मुल्क का आइन बनाना। एंड द लास्ट वन इज़ मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन मिनिस्ट्रीज, यानी जो हुकूमत है उसमें भी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन हो, यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी मुसलमानों की जो है वो रिप्रेजेंटेशन शामिल की जाए। थैंक यू।